ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्यों मोबाइल कंपनी क्यों ज्यादा इतना पीछे चलेगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया, आज से 3-4 साल पहले जहां देखो क्यों मोबाइल के बोर्ड्स, क्यों मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट, जहां देखो क्यों मोबाइल के बैनर लगे हो, यहां तक कि जब हम लोग मार्केट में जाते थे वहां पर भी जो है क्यों मोबाइल ही लगा होता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से क्यों मोबाइल कंपनी इतना ज्यादा पीछे चली गई, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले आप दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो अभी द टेक लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर का ऐसी वजह क्या हुई जिस वजह से क्यों मोबाइल इतना ज्यादा पीछे रह गए। दोस्तों क्यों मोबाइल एक्चुअली क्या करता था कि वो हमें कहता था कि हम लोग जो सामान है क्यों मोबाइल का, मतलब कि जो उसके पार्ट्स है वो हम लोग चाइना से मंगाते हैं और असेंबल पाकिस्तान में करते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में उसको जोड़ के बनाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों मोबाइल क्या कर रहा था कि चाइना से स्मार्टफोन मंगवाकर उन पे जो अपना सॉफ्टवेयर मतलब के डाल रहा था, सॉफ्टवेयर मतलब कि उसमें ब्रांडिंग अपनी करा था। अब क्यों मोबाइल लोगों को ये बोल रहा था कि ये स्मार्टफोन असेंबल पाकिस्तान में हुआ है, मतलब कि बना पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और क्यों मोबाइल पूरे का पूरा ही आउट ऑफ कंट्री से, मतलब कि चाइना से एक तैयार होकर आता था, ओनली जो है क्यों मोबाइल उस पर अपनी ब्रांडिंग करता था और फिर लोगों को इस तरह बेवकूफ बना रहा था। इस वजह से लोगों को ये पता चला। पता कैसे चला मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों एक जियोनी के नाम से एक स्मार्टफोन था चाइना का, अब ऐसा ही सेम एक स्मार्टफोन था क्यों मोबाइल वालों का। जब उन्होंने उनको देखा तो ओनली ऑन सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क था। मुझे उस क्यों मोबाइल का नेम याद नहीं है वाला, मैं आप लोगों को बता देता। अब दोस्तों उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि उस मोबाइल पे क्यों मोबाइल की ब्रांडिंग थी, लेकिन जो जियोनी का मोबाइल था उस पे उसकी ब्रांडिंग थी, मतलब कि सिर्फ ओनली ये डिफरेंस था। और वो स्मार्टफोन चलाने में सेम वही फीलिंग दे रहा था जैसे जो है जियोनी दे रहा है। तो यहां से लोगों को पता चला कि क्यों मोबाइल हमें बेवकूफ बनाता है, चाइना के स्मार्टफोन पे खुद की ब्रांडिंग कर रहा है और हमें सेल कर रहा है। और दोस्तों अगर बात करें 3-4 साल पहले की, तो क्यों मोबाइल हमें एक अच्छी बैटरी देता था और जो अच्छा स्मार्टफोन देता था, मतलब कि लोगों का ट्रस्ट था। अब लोगों का ट्रस्ट टूट गया है क्यों मोबाइल पे, इस वजह से लोग जो है क्यों मोबाइल को अब नहीं बाय करें। अब दोस्तों आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि क्यों मोबाइल हमें क्यों ऐसा बोलता था कि ये असेंबल पाकिस्तान में हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई चीज आउट ऑफ कंट्री से आती है तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में कोई चीज बने तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगता। इस वजह से क्यों मोबाइल हमसे ये झूठ बोल रहा था। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि क्यों मोबाइल जो है एक कराची में पकड़ा गया जिसका MI नंबर था ही नहीं। अब MI नंबर में आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा कि क्या होता है। MI नंबर ये होता है जैसे आप लोगों का ID कार्ड पे नंबर होता है, सेम इसी तरह हर मोबाइल का अपना अपना MI नंबर होता है। MI नंबर बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके मोबाइल का MI नंबर नहीं है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की किस वजह से क्यों मोबाइल कंपनी इतना ज्यादा पीछे चल गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन ऐप से और टेक्नोलॉजी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।